आप करते क्या हैं? मैं कीपर बैट्समैन हूं। ओह सॉरी, आई डिडंट नो। वेरी सॉरी, यू डोंट नो बिकॉज़ आई हैव नॉट डन एनीथिंग वर्थ रिमेंबरिंग इट। इन 4 मैचेस आई हैव 0, 12, 7 नॉट आउट एंड 3। हमको तो ये भी नहीं पता कि अगले मैच में हमको चांस मिलेगा कि नहीं। इट्स ओके। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है? आई होप आप लोग मस्त हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी वीडियो के अंदर से हीरो को हटाकर खुद वहां पे एंट्री ले सकते हो। मतलब कि किसी भी मूवी सीन से आप हीरो को हटा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट को हटा के उसके अंदर एडिटिंग के थ्रू खुद एंटर हो सकते हो। मान लो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके का वीडियो बनाना सिखाऊंगा कि कोई भी एक मूवी का सीन है, उस मूवी के सीन में से आप किसी भी हीरो को या फिर ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं बड़ी आसानी से। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसपे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिला है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैंने फिर से एक वीडियो बनाई है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जो लोग ये करना चाहते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। बट यार आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा भाई तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पे फर्स्ट आना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है। बट अगर आप, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको हर एक चीज अच्छे से करना आ जाएगा। और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यार अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर सकते हो तो 30 सेकंड 10 सेकंड आगे चला जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट आना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जाओ देखो वीडियो की एडिटिंग। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सिंपल से आपको एडिट कैसे करना है चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको कोई भी मूवी का सीन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी मूवी का सीन लेना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मूवी का सीन आप ले रहे हो तो वो एक ही फ्रेम के अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले हीरो का सीन आ रहा है, फिर हीरोइन का सीन आ रहा है, फिर हीरो का सीन आया, फिर हीरोइन का, ऐसा नहीं, एक ही फ्रेम में होना चाहिए। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि दिशा पाटनी यानी कि हीरोइन और सुशांत सिंह राजपूत हीरो, दोनों एक ही फ्रेम है। मतलब कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एक ही फ्रेम में है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको भी ऐसे ही सीन्स को लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा लोगे कि एक सीन हीरो का है, एक सीन हीरोइन का, तो भाई ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। एक ही फ्रेम में होना चाहिए और वो फ्रेम हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके के जो है वो वीडियोस को चूज़ करना है। ये कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मूवी सीन्स डाल दोगे, डायलॉग्स डाल दोगे तो आ जाएंगे, बहुत सारे सीन्स मिल जाएंगे। तो आपको चूज़ वही वाले करने हैं जो एक ही फ्रेम में हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो एक सीन में, इस वाले फ्रेम में दिशा पाटनी भी बैठी हैं, एक साथ में दिखाई दे रही हैं, और सुशांत सिंह राजपूत भी। तो अब आपको इस तरीके के वीडियो के सीन्स लेने हैं। और जो मेथड आज की इस एडिटिंग को बताने वाला हूँ मैं, ये सारे के सारे सीन्स पर अप्लाई होगा जो एक फ्रेम में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, सबसे पहले देखूँगा कि और क्योंकि मुझे जो है वो सुशांत सिंह को जो है वो गायब करना है, तो मुझे ऐसा चीज़ ढूंढना है इस वीडियो के अंदर कि कुछ ऐसा मिल जाए कि सुशांत सिंह के ऊपर अगर मैं एडिट कर दूँ तो वो गायब हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको भी अपने सीन्स में कुछ ऐसे पीछे के बैकग्राउंड्स ढूंढने हैं, गैप्स ढूंढने हैं, जो कि आप बाद में अप्लाई कर सको। तो मान लो यहाँ पे जो सुशांत सिंह बैठे हैं, यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठे हैं वो, वहाँ पे आपको ढूंढना है खाली कुर्सियाँ। तो यहाँ पे आप देखते हो दिशा पाटनी के बगल में एक खाली कुर्सी दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसी ऐसी कुर्सियाँ ढूंढनी है, या फिर जो भी आपके बैकग्राउंड, मान लो आपके बैकग्राउंड जो आप सीन, जो आप जिस सीन को आपने चूज़ किया है उस सीन में पेड़ पौधे हैं, तो आपको साइड में देखना है हीरो के इधर उधर की कहीं खाली जगह दिख रही है जिसमें वो बैकग्राउंड सेम टू सेम मिल रहा है, तो आपको उसको कैप्चर करना है। तो यहाँ पे जैसे कि सुशांत सिंह इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो साइड में दिशा पाटनी के एक कुर्सी है जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहीं खाली पे मिलता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से ये कुर्सी हमको खाली मिल रही है। तो अब हमको करना क्या है, सिंपल से सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो वो कैसे लेना है, इस पॉइंट पर लेके आना है और यहाँ पर इधर आपको चले जाना है, ये कैप्चर वाले ऑप्शन पर, ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कैप्चर एंड सेव कर देना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको आगे की तरफ लेना है और यहाँ पे आपको देखना है कि हमारा जो आगे का सीन है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, ये वाले सीन को हम एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले सीन को हम एडिट करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल से इस वाले सीन का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो देख लेना है कि हमारा जो सीन है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा सीन। तो इस वाले सीन को हमको एडिट करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है फिर से उसी पे, और यहाँ पे इसको कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 सेव हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, सबसे पहले इनके जो पिक्चर हमने लिए है उनमें से हमको जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को गायब करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी यार, तो देखते जाना। तो इनको गायब करना है, ठीक है। तो अब हमको इनको गायब करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो 2 एप्लीकेशन के लिए, सॉरी 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 एप्लीकेशन आपको ले लेना है, ठीक है। 2 एप्लीकेशन वो कौन कौन से हैं, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहीं पे बताता हूँ कि वो 2 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जिनसे आपको सुशांत सिंह राजपूत को गायब करना है, या फिर जो भी आप सीन ले रहे हो उनमें से हीरो को गायब करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइज, अब हमने जो 2 जो है वो स्क्रीनशॉट लिए हैं, मतलब जो हमने काइनमास्टर में कैप्चर किया है, जो फोटोज़ हमने कैप्चर करी है, अब आप उन दोनों को सबसे पहले एडिट करना है, ठीक है। जो अभी हमने लिया है उसको एडिट करना है, तो कैसे करना है क्या करना है बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे चले जाना और वहाँ पे आपको सर्च करना है ऑब्जेक्ट रिमूव, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे ऑब्जेक्ट रिमूव, आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। ये वाला, इसको ध्यान से देख लो, ऐसा ही सेम इसका लोगो रहेगा। जैसे आप रिमूव ऑब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन, तो वहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन आपको सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे शो करेगा। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, 8 से 9 MB का रहेगा। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, अभी देख लो। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी पड़ेगी, अलाउ कर देना, जिससे फोल्डर वोल्डर क्रिएट हो जाए आपकी गैलरी में। फिर यहाँ पे आपको गैलरी पे क्लिक कर देना है, और जो फोटो का हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, उसको हमको चूज़ कर लेना है। तो जहाँ पर भी हमने लिया है उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो मानो यहाँ पर हमने लिया ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, हमने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल से आपको ये ब्रश का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की साइड, इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका ऑब्जेक्ट हटाना है, मान लो हमको ये हीरो को हटाना है, तो आप कोई भी वीडियो ले रहे हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस वीडियो के ऊपर, मतलब उस हीरो के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपको वीडियो में से हटाना है उसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम जल्दी से कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, थोड़ा सा टाइम दे देना। तो यहाँ पर हम जल्दी से सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको पूरी तरीके से पेंट कर दिया है। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट्स को मूवी के सीन्स में से हटाना चाहते हो, या फिर हीरो को हटाना चाहते हो मूवी के सीन में से, उसका जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा उसको कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो कलर कर लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से जो है वो पेंट कर दिया है, ठीक है। पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को हमने पेंट कर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करने का, जब आप पेंट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ। इस प्रोसेस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। प्लेन के अंदर से जो है वो सुशांत सिंह राजपूत गायब हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस वाले जो ये जो फोटो अभी गायब हुआ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है पिक्चर का, इसको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सेव वाला ऑप्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगा कॉर्नर पे, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे ये फोटो आपका सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है जिससे प्रोफेशनल लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो सेकंड पिक्चर लिया है हमको उसको एडिट करना है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में जो है वो पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो है वो प्ले स्टोर पे, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे हमने कर लिया है पिक्सआर्ट को ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करोगे प्लस वाले अकाउंट पे क्लिक करके एडिट फोटो पे चले जाना है, और आपके गैलरी के सारे फोटोज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, उस फोटो को आपको चूज़ कर लेना है जिस फोटो को हमको अच्छी तरीके से एडिट करना है। तो सिंपल से यहाँ पे उस फोटो को हमने चूज़ कर लिया, ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेना है, ठीक है, साइड साइड से देखते जाना। क्रॉप कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने जो सेकंड वाला पिक्चर लिया था काइनमास्टर से, उसको इसमें इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे इधर स्क्रॉल जब करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल से मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो फोटो कुछ इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगी जो हमने लिया था काइनमास्टर से, ओके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 खाली सीटें दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करके लेके आना है, ये देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे अच्छे से क्रॉप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक कैची का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है साइड साइड से। इस कुर्सी को, जो ये कुर्सी का दिख रहा है, कुर्सी टाइप का, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके। उसके बाद एरो पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद ये कुर्सी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो आपको भी अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक कैसे करना कि ये अच्छे तरीके से हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आपका कैसा इरेज हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके देख लेना है और ऊपर की साइड पर जो भी हो उसको अच्छे तरीके से हटा देना है। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा कुर्सी का जो PNG है वो अच्छे तरीके से हो चुका है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो इस कुर्सी को आपको करना क्या, सिंपल से इस तरीके से लेना है और यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ये देख सकते हो इस तरीके से। इस कुर्सी के बराबर में करना है, जो आपको एक्ट्रेस दिख रही है मतलब जो हीरोइन दिख रही है उस कुर्सी के बराबर में इसको कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया इस सीट को, ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ये इस पर क्लिक करना है गिनती वाले पे और इस वाले फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर ऐसे ओके कर देना है और इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको कलर पर जाना है, ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ले आकर इसको कुछ इस तरीके से ऐसे ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखते हो पूरा अच्छे तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है वो वीडियो का बनके तैयार हो चुका है, ओके। तो अब आपको करना क्या है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर लेना है। अब हमको बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना, अब हमको जो करना है वो काइनमास्टर के अंदर करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप किसी भी मूवी के सीन पे अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी वाली जगह अगर आपको कहीं दिखे, मान लो जैसे यहाँ पे लड़की जो बैठी है यहाँ पे भी सेम ऐसे सीट लगी थी और यहाँ पे भी सीट सेम सुशांत वाले में भी लगी थी, तो मैंने क्या किया कि ये जो लड़की वाला सीट था मैंने उसको खाली देखा, तो मैंने क्या किया उसका सीट का PNG निकाल कर पहले तो मैंने वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है उसको गायब किया सुशांत को और उसको सीट को लाकर इधर कर दिए। तो वैसे आपको देखना कि अगर आपके सीन में जो है वो झाड़ फूल पत्ती है तो आपको फूल पत्ती को काट कर कुछ इस तरीके से एडिट करके, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट को हटाना है कैसे करके, कैसे भी करके आपको ऑब्जेक्ट को हटाना है एडिटिंग के थ्रू, ठीक है। पिक्चर की एडिटिंग के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट को हटाना है, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। आप कुछ भी करके हटाना है बस। तो यहाँ पे मैंने सुशांत को हटा दिया, लग रहा है ना पूरा एरोप्लेन का सीन। अब हमको जो करना है वो काइनमास्टर में करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इधर ऊपर की तरफ दिख जाएगा सेव का ऑप्शन, इधर क्लिक करके सेव कर लेना है। ये हमारा जो फोटो है वो सेव हो चुका है। अब हमको जो करना है काइनमास्टर के अंदर करना है, तो चलिए चलते हैं काइनमास्टर के अंदर, वहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम फिर से आगे काइनमास्टर के अंदर, जब आप उस सारी चीज़ों को एडिट कर लोगे तो फिर से आपको काइनमास्टर के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है यार, क्योंकि पूरा सीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा सीन स्टार्ट होता है उसको हम ढूंढेंगे कि कहाँ से हमारा सीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हमारा सीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इधर लेके आना है, यहाँ से इधर क्लिक करना है इसके ऊपर और इधर सीजर पे जाना है, इसको ट्रिम कर देना, ठीक है, इधर से। अब हमको देखना है कि हमारा सीन कहाँ तक चल रहा है, ठीक है, एक ही फ्रेम में। तो यहाँ तक चल रहा है, देखते हैं जी, ये रहा यहाँ तक। अब हमको करना क्या है, अब हमको राइट से इसको कट कर देना है। अब इतना हमारा सीन बचा ये छोटा सा, अब इसको हमें एडिट करना है। तो अभी जो हमने पिक्चर्स एडिट करी हैं पिक्सआर्ट में, उसको हमको इसमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और उस फोटो को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं उस फोटो को, कहाँ गया भाई, ये हमारा ये रहा फोटो। ये हमने इसको कर लिया इम्पोर्ट, जो हमारा फोटो था जो अभी हमने एडिट किया था पिक्सआर्ट से, उसको हमने कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे, मतलब जूम करना है और एकदम फ्रेम के बराबर इक्वली, ठीक है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा हाई, ठीक है, बराबर से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसको अच्छे तरीके से इधर से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर इधर क्रॉप करना है और यहाँ पे मास्क का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से देखते जाओ, मास्क को इनेबल कर देना और यहाँ पे इस फेदर को अच्छे से बढ़ा देना है, ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाना, अपने हिसाब से बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे इसको बढ़ा देना है। अब इधर से आपको जो है वो बैक चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से क्रॉपिंग पर जाना है और इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर लेना है, ठीक है, इधर इतना ये इतना, ठीक है, हमने क्रॉप कर लिया। अब आपको चला के दिखाता हूँ फिर से। ये देखो, हीरोइन हंस रही है, बोल रही है हीरो गायब। अब यहाँ पे आपको इस वीडियो को करना क्या है, इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है, कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि हमारा वीडियो पूरी तरीके से बन चुका है। तो भाई देख लो, सुशांत सिंह राजपूत गायब हो चुके हैं। तो किसी भी मूवी के सीन से आप हीरो को हटा सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है, कुछ नहीं रखा भाई, हटा दिया हमने। अब यहाँ पे हमको इस वीडियो को सेव कर लेना है। यार वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसको हमको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। भाई साहब, अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है, जिसमें आप वीडियो के अंदर एंट्री लोगे, ठीक है। तो देख लो यार, ऐसे ही आपको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आपको एक फ़ोन लेना है जिसके अंदर आपको उस वीडियो का साउंड प्ले करना है जिस वीडियो को आप एडिट करने वाले हो, ठीक है। तो वो मैंने प्ले कर दिया था। और आपको एक और फ़ोन लेना है जिससे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस फ़ोन को आपको अच्छे तरीके से स्टेबल जगह पे रख देना है। मतलब कि या फिर आप कहीं पत्थर पे रख सकते हो, या फिर आप ट्राईपोड में फंसा सकते हो, या फिर कहीं स्टैंड पे लगा सकते हो, जिससे वो फ़ोन हिले ना और जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हिले ना। अगर आपका फ़ोन हिलता रहेगा तो भाई साहब नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने बैकग्राउंड में कोई एक कलर का कपड़ा लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो मेरे बैकग्राउंड में एक हरा हरा कपड़ा है और उस हरे हरे कपड़े के सामने मैं खड़ा हूँ और सुशांत सिंह राजपूत वीडियो के अंदर एक्टिंग करते हैं, वैसे ही मैं इस पर्दे के सामने कर रहा हूँ। इतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसमें कुछ लोगों को डाउट था कि भाई एप्लीकेशन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है। तो भाई इसीलिए आराम आराम से अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कपड़ा लगा लेना है, किसी भी कलर का हो, नीला, पीला, गुलाबी, ग्रीन, किसी भी कलर का हो, बस वो सिंपल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। आपको उसे अपने बैकग्राउंड में लगा लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड चीज़, आपको दूसरे फ़ोन में साउंड को प्ले कर देना है और एक फ़ोन में आपको रिकॉर्डिंग करना है जिसको आपको स्टेबल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ साउंड के ऊपर। तो मैं प्ले करने वाला हूँ और आप देख लो। यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से मैंने हरे पर्दे के सामने एक्टिंग करी है। आपको भी ऐसे कुछ इस तरीके से वीडियो लोग कर लेना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। अब आपको एडिट कैसे करना है आगे की तरफ, वो चलिए देखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे करना है। सो गाइस, आपको करना क्या है, आपको फिर से काइनमास्टर के अंदर इस वाली वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जो हमने पहले सेव करी थी, ठीक है। तो आपको उसे इम्पोर्ट कर लेना है। अब आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है जिस वीडियो की, उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कैसे करना है, सिंपल से आपको ये लेयर दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मीडिया दिख जाएगा, मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको उस वीडियो को सिंपल से इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कर लिया इस वीडियो को इम्पोर्ट, आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यह दिख जाएगा क्रोमा की पे चले जाना है। और अगर आपका जो है वो ग्रीन पर्दे के पीछे कुछ आलतू फालतू चीज़ें दिख रही हैं तो क्रॉपिंग पे जाके कुछ इस तरीके से आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो कट कर लेना जो भी आपका दिख रहा हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना के रखा है जिससे वीडियो में टाइम ना लगे, फिर भी टाइम लग रहा है तो यार देखते रहो, कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इधर से बैक चले जाना है और यहाँ पर क्रोमा की पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करोगे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा यहाँ से आप एडजस्ट करके जो है वो इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से एडजस्ट, थोड़ा सा ये हमने कर लिया इसको रिमूव, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं और इसको आपको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, ठीक है, लड़की के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लगा देना है, इधर थोड़ा तो और बड़ा करते हैं इसको, ऐसे आपको भी बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ और देखता है मैच हुआ कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक साउंड को हमें बंद कर देना है, ठीक है, ये ऊपर वाली साउंड को हम बंद कर देते हैं जिससे मैचिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो अभी मैचिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको करना क्या, इधर लाना है और यहाँ पे आपको इधर करना है और इधर कट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इधर लेके आना है और यहाँ पे आपको लड़की के जो लिपसिंग है उसको अपने साउंड से मैच कराना है, ठीक है। तो मैच कराते हैं, ये इधर नहीं है, ये इधर है। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेंगे हम और मैच कराएंगे लड़की के लिपसिंग से। अब करते क्या है, ये मैच हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे इसको जो इधर है इसको फुल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा ये बना कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं। अब करते क्या है? I have not done anything worth remembering it. In 4 matches I have 0, 12, 7 not out times. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा जो वीडियो है पूरी तरीके से एडिट हो चुका है, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और करना है, जैसे कि मान लो यहाँ तक आपका थोड़ा सा डायलॉग और होता है, बट उसमें क्या होता है कि सीन एक हीरो का दिखाते हैं, एक हीरोइन का दिखाते हैं, बट यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको पूरा कंप्लीट करना है डायलॉग। तो उसके लिए हमको करना क्या है, इधर इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको इधर ये 3 डॉट दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस वाली लेयर को खींचकर ये आगे वाली लेयर के ऊपर लेकर आना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे आपको इधर आगे की तरफ लेकर आना है इस तरीके से, इधर, और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो कैसा बना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। क्या है? मैं कीपर बैट्समैन हूं। ओह, सॉरी, आई डोंट नो। Why is sorry? You don't know because I have not done anything worth remembering it. In 4 matches I have 0, 12, 7 not out, and 3. हमको तो ये भी नहीं पता कि अगले मैच में हमको चांस मिलेगा कि नहीं। इसलिए अब यहाँ पे ये वीडियो हमारी पूरी अच्छे तरीके से परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने सुशांत सिंह राजपूत को जो है वो वीडियो के अंदर से गायब कर दिया है और यहाँ पे हमने अपने आप को लगा दिया है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप भी इसी तरीके की वीडियो बना सकते हो, कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा, बहुत ही आसान है। आपको एप्लीकेशन के थ्रू और काइनमास्टर के थ्रू किसी भी वीडियो के अंदर से हीरो को आप हटा सकते हो। बस आपको अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच कर लेना है। अगर आपको एक बारी वीडियो देखने में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार इतना अच्छे तरीके से आपको पूरे यूट्यूब भर में कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो बस यार वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी मूवी के सीन में से जो है वो हीरो को हटा सकते हो, बहुत ही ईजी है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ सब्सक्राइब कर दो। नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।